नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग सेटअप और एक इनिशियल इंप्रेशंस मेरा जो है ऑफ द रियलमी 4K स्मार्ट गूगल टीवी स्टिक। जी हाँ दोस्तों, रियलमी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया था और इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी 2999। और हम देखेंगे कि इसकी जो फंक्शनैलिटी, इसकी जो फीचर्स है, ये कैसी है, और मार्केट में और भी कहीं 4K यू नो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, उसके अगेंस्ट ये कैसे कम्पीट करता है, और इसकी UI, इसकी जो ओवरऑल इंटरफेस एक्सपीरियंस वो सब कैसी है। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे अच्छी तरीके से इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं रियलमी 4K टीवी स्टिक के बारे में। लेट्स गो फोक्स। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं हम इसके बॉक्स के डिटेल्स को देख करके। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आपको पता है कि मैं सारे प्रोडक्ट्स अपने वीडियोस पे खुद अपने पैसों से लेता हूं। तो ये रिव्यू यूनिट नहीं है, इसलिए आप एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन रिव्यू आप मेरे वीडियोज़ पर हमेशा पाएंगे, और आप इसीलिए मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलो फटाफट देखते हैं बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आगे मैं इसकी रियलमी की ये इमेज है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बिलियन डेज की स्पेशल आइटम है ये, रियलमी का यहाँ पे बैजिंग हो गया। और यहाँ साइड पे देखते हैं फटाफट क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो, यूट्यूब म्यूजिक, तो ये सारा अवेलेबल है। गूगल टीवी इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड अ ट्रेडमार्क ऑफ गूगल, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे में कुछ नहीं है, खाली है। इस साइड पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। The entertainment you love with a little help from Google. Google TV brings together movies, shows and more from across your apps and subscriptions and organizes them just for you. पीछे में इस आइटम में लिखा हुआ है कि क्या क्या अवेलेबल है। इसमें अंदर में लिखा हुआ है कि एक रिमोट अवेलेबल है, कंट्रोल, पावर सप्लाई, USB पावर केबल, HDMI एक्सटेंडर, यूजर गाइड भी अवेलेबल है। और इसमें जो बाकी के डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यू नो मीन कस्टमर केयर एक्सेट्रा, वेबसाइट एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय काई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इंडिया की आइटम है ये। और चलो भाई यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं 4699 की, पर ये बिग बिलियन डेज की जो सेल थी उसमें मुझे 2999 पे मिली थी। तो ये है आपका बॉक्स का इन्फॉर्मेशन। अब फटाफट बॉक्स खोल के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ओके, तो चलो भाई बॉक्स को खोलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। इसे मैं साइड कर लेता हूँ फटाफट और देखते हैं कि अब अंदर में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है। तो ये देखिए बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है भाई, रिमोट के लिए बैटरी भी दी हुई है उन्होंने, AAA बैटरीज है छोटे वाली। इस डब्बे को साइड करते हैं फटाफट, और यहाँ पे मुझे केबल ऑलरेडी दिख रही है। ये है आपका, केबल को खोल के देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी लंबी केबल है, माइक्रो USB केबल है, और एक USB 2.0 होगी ये शायद, USB 3.0 होगी, पर काफ़ी लंबी है। अगर आप देख रहे हैं इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये है अपार्ट फ्रॉम द बैटरी, और इसके अलावा डब्बे में क्या क्या है। आपका एक रिमोट आ रहा है भाई, ये रिमोट को भी फटाफट खोल के देख लेते हैं। ये रियलमी जो टीवी वाला रिमोट है ना, एग्जैक्टली वही रिमोट है। अगर आपके पास रियलमी की कोई भी टेलीविजन है, आप उस रिमोट को भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा, काफ़ी अच्छा रिमोट है, इसके बारे में हम फटाफट यू नो थोड़ी ही देर में बात करेंगे। एक केबल भी आ रहा है, ये डोंगल हो गया आपका, HDMI डोंगल, ये देख रहे हैं आप, जैसे HDMI डोंगल हो गया ये, जैसे उन्होंने कहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आपका हो गया अब फाइनली द डिवाइस जो आपकी रियलमी की 4K टीवी स्टिक है। काफ़ी छोटी है अगर आप देखेंगे, देखिए कितना प्यारा सा इसका साइज़ है, बहुत ही अच्छा है। मेरे बैकग्राउंड में एक MI की बॉक्स भी है, ये 4K वाली नहीं है, ये MI की ओरिजिनल बॉक्स है, मेरे पास 4K वाली भी है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, तो आप उसके बारे में भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कंपैरिजन वीडियो बना सकता हूं। तो ये रियलमी की जो डिवाइस है, देखिए यहाँ पे एक तो ब्रांडिंग होगी आपकी, साइड में एक तो माइक्रो USB केबल है शायद, जहाँ पे ये डोंगल जाएगा आपका, सॉरी ये केबल जाएगा, बिकॉज दिस नीड्स चार्ज। मुझे लगता है द डिवाइस नीड्स द चार्ज फ्रॉम द USB पोर्ट। तो ये साइड में कुछ नहीं है, साइड में कुछ नहीं है, और ये ऊपर में आ गया आपका HDMI जो आपके HDMI पोर्ट में चले जाएगा। तो ये एक USB पोर्ट आपका ले लेगा, क्योंकि द डोंगल इटसेल्फ इज नॉट गॉट एनी बैटरीज। आपको ये पावर के साथ जो आप टेलीविजन से लेंगे USB के थ्रू, उसको पावर करना होगा, और फाइनली आप रियलमी की जो कंपनी है ना, वो रिकमेंड करती है कि आप इसे इस डोंगल में ऐसे कनेक्ट करके तब अटैच कीजिएगा। ये रियलमी की रिकमेंडेशन है, जबकि आप डायरेक्टली भी इसे अटैच कर सकते हैं, ऑलराइट, पर रियलमी रिकमेंड करता है कि आप डोंगल में पहले अटैच कीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप टेलीविजन के HDMI में डालिएगा। दैट इज रियलमी की रिकमेंडेशन। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि डब्बे में और कुछ है क्या।
तो डब्बे में ऑब्वियसली बुकलेट है एक, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे वारंटी वारंटी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो दैट इज ऑल, बॉक्स में यही है। और यहाँ पे बस दिखा हुआ है कि दिखाया हुआ है कि गूगल असिस्टेंट को आप कैसे चला सकते हैं बटन से, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कैसे आप इसको टेलीविजन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए बड़े प्यार से दिया हुआ है, यहाँ तक कि ये भी दिया हुआ है कि बैटरी आप रिमोट में कैसे डालेंगे। वाह। सो यही है। और डब्बे में और कुछ है, कुछ शायद नीचे में एक और चीज़ है वो भी मैं देख रहा हूँ। ओह वाह, एक पावर ब्रिक है यार। तो ये रहा, ऑल राइट। तो ये पावर ब्रिक है, तो आप पावर डायरेक्टली आप, मैं ट्राई करूंगा यूएसबी से भी कनेक्ट करके, टेलीविजन की जो यूएसबी है ना उससे भी मैं कनेक्ट करके देखूंगा कि क्या ये इनफ या सफिशिएंट है टू गिव पावर टू दिस डिवाइस, कि मुझे प्लग के थ्रू एक पावर सॉकेट में इसे कनेक्ट करके इसको पावर देना होगा। वो भी देख लेंगे फटाफट, तो वो जान लेंगे। तो बॉक्स में क्या क्या है, बैटरी डोंगल, दो डोंगल एक्चुअली में, ये आपका HDMI डोंगल, ये आपके Realme 4K TV स्टिक जो आपका हो गया, केबल हो गया और पावर ब्रिक हो गया और ये आपका रिमोट हो गया। तो फटाफट देख लेते हैं अब इसे कनेक्ट करके और सेटअप भी कर लेते हैं इसे मेरी Samsung की AU9070 के साथ। इन द मीन टाइम जब मैं बैटरी लगा रहा हूँ, मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसकी जो यूएसबी वाली जो पोर्ट थी ना टेलीविजन की ही, आप वो यूएसबी वाली पोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो आपको पावर सॉकेट में डालना नहीं पड़ेगा, आप उस यूएसबी पोर्ट को यूज कर सकते हैं टेलीविजन की, अगर आप इस पावर ब्रिक को यूज नहीं करना चाहते। मैं बस बता दे रहा हूँ, मैंने पावर ब्रिक नहीं कनेक्ट की है, मैंने डायरेक्टली वो यूएसबी केबल को टेलीविजन के एक यूएसबी पोर्ट से यूज कर लिया है। अब ये बताता है आपको कि इसकी जो रिमोट है, आप होम बटन और बैक बटन को दबाइएगा साथ में। रिमोट के बारे में भी मैं फटाफट बाद में बात करूंगा, सबसे पहले हम इसकी सेटअप कर लेते हैं और रिमोट के बारे में मैं अंत में बात करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि मेरी एक्सपीरियंस कैसे रही है। तो ये हो गया भाई सेटअप, बहुत ही सिंपल है रिमोट का सेटअप करना। और अब ये स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, भाई इंग्लिश इंडिया, इंडिया करते हैं भाई, क्योंकि हमारी जो एक्सेंट है ना वो अलग है। तो जब गूगल असिस्टेंट को भी यूज़ कर रहे हैं ना, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उस तरीके से ये कीजिएगा। अब ये बता रहा है कि आप गूगल होम ऐप को भी खोल करके सेटअप कर सकते हैं, सेटअप कोड है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आईफोन पे अभी जाऊँगा फटाफट और गूगल होम ऐप को खोलूँगा। और यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं एक गूगल टीवी डिवाइस को सेटअप कर सकता हूँ। ऑलराइट, एक ऑप्शन था यहाँ पे, नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डिवाइसेस, अभी ढूंढ रहा है डिवाइस। मैं स्क्रीन को ब्राइट कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे डिवाइस को ढूंढ रहा है गूगल होम के ऐप से और देखते हैं आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं, थोड़ा सा समय ले रहा है। और गूगल टीवी डिवाइस फाउंड, देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा के आगे भी मैं बता देता हूँ, गूगल टीवी डिवाइस फाउंड। और ठीक है, तो चलो सेटअप करते हैं। नेक्स्ट मारा, स्कैन कोड का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप स्कैन कोड पे दबाइएगा, कैमरा का एक्सेस मांगेगा, कैमरा का एक्सेस जब आपको मांगेगा तो ये कोड को आप स्कैन कीजिएगा। और ये बता रहे हैं देखिए कनेक्टिंग टू गूगल टीवी डिवाइस। तो इसकी जो सेटअप है सो फार इट्स अ ब्रीज, वॉक इन द पार्क, इतनी ईजी है। अभी सेटअप नहीं हुई पूरी तरीके से, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ऑब्वियसली ये क्या करेगा कि आपके जो फोन पे जो वाईफाई नेटवर्क है, आई एम श्योर ये वो वाईफाई नेटवर्क ले लेगा। कनेक्टेड दिखा रहे हैं टीवी के स्क्रीन पे। ओ जी, हमारा गूगल टीवी सेटअप हो गया है। तो चलो भाई हम फाइनली उस बटन को दबाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो चलो बटन को दबा के लेट अस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोस्तों। एंड यस, और ये हम लॉग इन हो गए अपने गूगल टीवी के होम स्क्रीन पे। तो चलिए भाई, ये है आपका गूगल टीवी का इंटरफेस, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लॉग इन हो चुके हैं। काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम योर एंड्रॉयड 9, 10 या 11 का जो UI है उससे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसका जो UI है वो काफ़ी रिसेंबल करता है एप्पल के UI, जो एप्पल टीवी की UI है उससे एक्चुअल में काफ़ी मैच करता है। अब मैंने बस लॉग इन किया और यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखा रहा है वो जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इनफैक्ट आई मीन फॉर ईयर्स चकदे मूवी मैंने बहुत पहले देखा हुआ था, पर ये सब तो मैं देखता भी नहीं हूँ। MX प्लेयर इनफैक्ट यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है, मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया बिकॉज आई डोंट लाइक MX प्लेयर, आई इनफैक्ट लाइक VLC प्लेयर जो मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा। एंड्रॉयड की यही खूबी है कि आपको बहुत सारे ऐप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे इसकी क्या क्या ऑप्शंस है। ऑलराइट, तो ऊपर चलिए मैं बताता हूँ आपको।
देखिए इसकी यूआई यहाँ पे कितनी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपके, प्ले द फ्रेश एयर पॉडकास्ट, प्ले सम म्यूजिक, सिंग मी अ सॉन्ग, ओपन नेटफ्लिक्स, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज, व्हाट्स द वेदर टुमारो, टेल मी अ जोक। फॉर इंस्टेंस चलो टेल मी अ जोक मैं खोल के दिखाता हूँ, ये एक जोक बता देगा आपको एक। दिस वन इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड अ कॉमा, अ कैट हैज क्लॉज एट द एंड ऑफ पॉज, अ कॉमा इज अ पॉज एट द एंड ऑफ अ क्लॉज। भाई बड़ा ही घटिया जोक था बट चलो एटलीस्ट जोक तो था। आपको वेदर भी बता देगा और इसकी जो यूआई है वापस अब यूआई पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी जो यूआई है देखिए काफी अच्छी है। तो आपको पूरे वीक का फोरकास्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो ये काफी अच्छा है। लेटेस्ट न्यूज आप जब दबाएंगे ना तो आपको एक यूट्यूब का एक लिंक पे लेके चले जाएगा, नेटफ्लिक्स आप खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंग मी अ सॉन्ग अगर आप करेंगे तो ऑप्शंस देगा आपको। Sure, I'd love to sing a song for you. I have three brand new options. Do you want to hear a fun song about brushing your teeth, a fantastic clean-up song, or a gentle goodnight song? Song about brushing your teeth. Put a block of toothpaste on your toothbrush and let's get going. Brushing the front, go up and down and side to side. तो ऐसे आपको गाना भी सुना देगा कुछ कुछ ऑप्शन से और ऑब्वियसली गूगल असिस्टेंट है इस पे यार, असिस्टेंट का बटन भी आता है रिमोट पे, आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं इसको। और ऑब्वियसली सिंस इट्स अ गूगल टीवी इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है, लाइट वाइट के साथ भी आप यू नो बोल सकते हैं लाइट को कोई और कलर कर दीजिएगा, हालांकि मैं वो सब यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट यू नो बैक जाते हैं, यहाँ पे होम पे अगर हम देखेंगे होम की ये क्यूरेटेड लिस्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे। Alright, और यहाँ पे आपके मेन एप्स है तो सबसे पहले ऊपर में देखिए कुछ क्यूरेटेड लिस्ट है। Alright, over a period of time ना it will learn what you are watching। अभी तो क्योंकि ये हाल ही में मैंने खरीदी है और मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है इसके साथ तो ये अपने मन से मुझे आइटम्स दिखा रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट क्यूरेटिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू मेरी जो यूसेज है। यहाँ पे आपके मेजर ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, डिज्नी प्राइम, एप्पल टीवी, सब स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। यूट्यूब का म्यूजिक, Z5 देखिए, वूट, सननेक्स, सोनी लाइव, ऑल्ट बालाजी, आपको सब स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। आपको किसी भी ऐप को जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, हालांकि आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम देखेंगे थोड़ी ही देर में। तो जो भी मैंने हाल ही में कंटेंट को देखा है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है, जैसे एप्पल टीवी में मैंने शज़ैम देखा था, जस्टिस लीग देखा था, लोकी देखा था, ब्लैक पैंथर देखा था, तो वो सारा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे कुछ पॉपुलर शोज में यहाँ पे एप्पल टीवी का कंटेंट, बहुत सारा एप्पल टीवी का कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है, प्राइम वीडियो का कंटेंट भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये अगेन लाइक आई सेड क्यूरेटेड कंटेंट आपको दिखाएगा। यहाँ पे फैमिली फेवरेट्स हो गया, पॉपुलर फिल्म्स हो गया, विमेन इन पावर, टॉप बॉलीवुड फिल्म्स, कुछ रिकमेंडेशंस हो गए हैं आपके। तो इसकी जो इंटरफेस है जैसे आप देख रहे हैं काफी स्नैपी है, काफी फास्ट है आप देख रहे हैं जैसे, और यहाँ पे एप्स है तो जैसे कि मैंने कहा ये सारे एप्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, पर अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है बहुत सारे ऑप्शंस है यार, सिंस इट्स एन एंड्रॉयड टीवी ओएस यू हैव ऑप्शंस, गेम्स के भी ऑप्शंस काफी है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एयरटेल स्ट्रीम, बैडलैंड जो गेम हो गया, रियल रेसिंग हो गया जो गेम है, MX प्लेयर मैंने इनफैक्ट अनइंस्टॉल कर दिया था, ये स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा था मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। सो इट आंसर्स योर क्वेश्चन, क्या स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स जो ऐप्स है क्या आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं? जी हाँ आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐप्स है और ऐप के मामले में ना आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऐप्स, आप ऐप पे ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, पर इसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बारे में मैं सेटिंग्स में बात करूंगा, पर आपके ऑप्शंस काफी सारे हैं है ना। तो गेम्स भी हो गए आपके, म्यूजिक ऑडियो हो गया, वीडियो प्लेयर, टूल्स, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, मैगजीन्स, प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, बहुत सारा ऑप्शंस है यार, आई मीन आप थक जाएंगे स्क्रॉल करते करते, इतने सारे आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में अगर मैं चला गया तो यहाँ पे बस दिखाता है ये ना, अगर मैंने कुछ मूवीज को वॉच लिस्ट में डाला है, और ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा, बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना कि मैंने किसी मूवी की ट्रेलर देख ली और चाहे वो कहीं पे भी था, चाहे वो था यू नो आपका प्राइम वीडियो पे था, चाहे वो आपका गूगल मूवीज पे था, कहीं पे भी था ना, आप उसको वॉच लिस्ट में अगर डाल देंगे वो आपके यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ जाएगा देखिए, और आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा, इट्स वेरी गुड, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द क्यूरेटेड कंटेंट।
यहाँ पे मेरे गूगल टीवी में जो मैंने मूवीज और शोज अगर खरीदे होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छा सेक्शन है, लाइब्रेरी वाला जो सेक्शन है मैं कहूंगा काफी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, इट रिमाइंड्स मी अगेन ऑफ एप्पल टीवी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ये इसका जो यूआई है गूगल टीवी का, इट रिमाइंड्स मी वेरी मच ऑफ यू नो एप्पल टीवी यूआई इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन हो गया आपका, यहाँ पे यू नो एक और ऑप्शन है, अगर उसे आप क्लिक करेंगे तो ये वॉलपेपर में चला जाता है ना। तो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, आप एक चिल्ड्रन की प्रोफाइल यानी आपके घर में अगर बच्चे हैं, एक चाइल्ड प्रोफाइल भी आप सेटअप कर सकते हैं। पर हम अभी के लिए सेटिंग्स में चल के फटाफट देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या है। तो सेटिंग्स जब हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आपके बहुत सारे ऑप्शन है, डिस्प्ले एंड साउंड वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले हम उस पर क्लिक करते हैं। डिस्प्ले एंड साउंड में आपके HDMI CEC है, यानी अगर आप ये ऑफ करेंगे आपका टीवी भी ऑफ हो जाएगा है ना। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में हालांकि ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बट एक गेम मोड का ऑप्शन अलाउड है यहाँ पे, HDR का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए 4K 60 हर्ट्ज का ये सेटिंग यहाँ पे है, यानी 60 FPS वाले वीडियो से आराम से खेल लेगा। मैं आपको YouTube में 60 FPS के वीडियोस चला करके भी दिखा दूंगा। एडवांस्ड साउंड सेटिंग्स में आपका ऑटोमेटिक है और एक सराउंड साउंड का ऑप्शन है। मुझे सराउंड साउंड यू नो कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई कोई एरिया में ना काफी लाउड हो जाता है, तो आई ऑलवेज कीप इट इन ऑटोमेटिक। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऑटोमेटिक में रखिएगा। आपका नेटवर्क फीचर्स है, नेटवर्क ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने जिस एयरटेल वाले नेटवर्क से अपने इस रियलमी टीवी को कनेक्ट किया वो वाला यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड। अगर आप नेटवर्क को स्विच करना चाहते हैं आप बस सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐड भी कर सकते हैं नेटवर्क को। अकाउंट्स एंड साइन इन, मेरा ये अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइवेसी में कुछ कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे लोकेशन हो गया आपका, यूसेज हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे जो आप बाद में भी यू नो ट्वीक कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। ऐप्स हो गए, आप यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं यहाँ से। तो ऐप्स वाला ऑप्शन हो गया और सिस्टम वाला ऑप्शन है। सिस्टम में मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आ गया और एंड्रॉयड टीवी OS वर्जन इसकी जैसे आप देख रहे हैं एंड्रॉयड 11 है, राइट। सो एंड्रॉयड 11 के ऊपर इसका गूगल टीवी का इंटरफेस है और ये काफ़ी अच्छा है। आई मीन बहुत ही, अब तक तो आपने देखा होगा इट इज़ स्मूथ, बटरी स्मूथ, कोई भी लैग मुझे अब तक फेस नहीं हुआ है। हालांकि अगर मैं इसके स्टोरेज पे चला जाऊंगा ना, तो ये एक खामी है इस डिवाइस में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज आता है, सिर्फ 8 GB। और वी लिव इन अ टाइम जबकि ना आई मीन बहुत सारे लोग तो टेलीविजन में 32 GB भी दे रहे हैं। जैसे अपनी मी वाली भी जो डिवाइस है जिसके बारे में मैंने बहुत हल्के से बात किया था, उसमें आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। पर इसमें ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी या ये कमी लगी इस डिवाइस में कि सिर्फ 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से यू नो बहुत सारा स्टोरेज आपका ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है। टोटल स्पेस आपका सिर्फ 4.7 GB है जो अवेलेबल स्पेस है ना। तो ये आपको एक कमी लगेगी। उसके बाद आपका एक एम्बियंट मोड वोड भी है, आर्ट गैलरी वैलरी, अगर आप कोई फोटोज अपना पर्सनली यू नो डिस्प्ले करना चाहते हैं वॉलपेपर के तौर पे आप वो भी कर सकते हैं। पावर एनर्जी का यू नो मोड है जो आप यू नो डिस्प्ले को टर्न ऑफ कर सकते हैं 8 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, वो आपकी ऑप्शन है। कास्टिंग भी आप कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मैं क्योंकि एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक इनिशियल इंप्रेशन दे रहा हूँ इसके, तो इस वीडियो में हम ये कवर नहीं करेंगे। बट आप कास्ट भी कर सकते हैं है ना। और यहाँ पे हो गया रीस्टार्ट वाला ऑप्शन। मैं फटाफट आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियोज मैं चला लूंगा यूट्यूब में, क्योंकि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में मैं वीडियोस नहीं चला पाऊंगा। बट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यू नो ये काम करता है जब आप नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स में क्लिक करते हैं। इनफैक्ट क्विक एक्सेस बटन भी है यहां पे रिमोट पे ही, तो अगर मैंने नेटफ्लिक्स पे अगर क्लिक किया ये इमीडिएटली मुझे नेटफ्लिक्स पे लेके जाएगा। आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कितना टाइम लेता है नेटफ्लिक्स या किसी और ऐप को लोड होने में। तो देखिए नेटफ्लिक्स वाला ऐप बटन दबाते ही यहाँ पे खुलना चालू हो गया। थोड़ा सा मैं कहूँगा टाइम लगता है खुलने में, पर ये हो गया मेरा प्रोफाइल। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे यू नो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, मैं हालांकि यू नो चला नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वाला एक मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ है, नो प्रॉब्लम विद नेटफ्लिक्स वाला ऐप। और एक और चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, जब भी आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं ना, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप एग्जिट करें उस ऐप से। यू नो जैसे यहाँ पे एग्जिट नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, आप एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि वरना बैकग्राउंड में अगर ये चल रहा होगा ना आपका रैम खा जाएगा और Maybe you might experience some lag. Disney Hotstar भी ब्यूटिफुली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं कुछ वीडियो नहीं चला पाऊंगा कॉपीराइट इश्यूज के कारण, पर यह बहुत स्मूथली चलता है। मैंने कुछ कुछ मूवीज ऑलरेडी यहाँ पे
ट्राई किए हैं सीरीज, लोकी वोकी मैंने देखा है, ब्लैक पैंथर भी मैंने चेकआउट किया था, बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया आपका डिज्नी हॉटस्टार। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, यहाँ पे आपका प्राइम वीडियो भी है, और प्राइम वीडियो भी आपको बस आइडिया लग जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है ना खुलने में। देखिए तो काफी फास्ट लगा मुझे इसका रेस्पॉन्स टाइम्स आर वेरी गुड, एंड यूआई की सीमलेसनेस काफी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन बटरी स्मूथ है, आप आराम से मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आ गया और इसमें अगर मैंने क्लिक किया, नाउ प्लीज नोट कि ये जो रियलमी की टीवी स्टिक है, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग 4K 60 हर्ट्ज विद HDR, है ना। इसमें HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, और प्राइम वीडियो में बहुत सारे HDR 10 प्लस के भी कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आपको उसका फायदा उठाना है, आप वो भी फायदा उठा सकते हैं इस रियलमी टीवी स्टिक के थ्रू। फॉर इंस्टेंस HDR 10 प्लस, यहाँ पे जो ऑप्शंस है देखिए बहुत सारे हैं, और यहां पे दिखा रहे हैं UHD, है ना। जैसे प्राइम ओरिजिनल अगर ग्रैंड टूर को मैं खोलूंगा, UHD है, और मुझे पता है ये HDR 10 प्लस वाला कंटेंट है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने देखा हुआ भी है, पर मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो पे नहीं दिखा पाऊंगा। अब यहीं से ना अगर मैं बैक नहीं किया और YouTube का बटन मैंने रिमोट पे दबा दिया, तो देखिए ये स्विच कर जाएगा YouTube में फटाफट। तो एक ऐप से आप दूसरे ऐप में जंप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। मैं अपनी एक वीडियो चला देता हूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो कॉपीराइट की, बट मैं एक वीडियो चला रहा हूं ऐसा जो है 4K 60 हर्ट्ज वाली कंटेंट। तो अगर मैंने इसको ऑन किया, इस वीडियो को, ये देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं कि इसमें जो कौन से रेट पे चल रहा है, रेट पे इन द सेंस इसकी रेजोल्यूशन क्या है। अगर यहां पे मैं आ जाता हूं, देखिए बहुत ही क्लियरली यहां पे दिखा रहा है कि ये 4K और 60 FPS पे चल रहा है। तो कोई भी शक नहीं है कि ये 60 FPS मैनेज कर सकता है, ये आराम से 4K वाली कंटेंट 60 FPS पे चला के देगा। और आप क्लैरिटी भी देख लीजिएगा YouTube में, ये मेरी एक वीडियो है, ऑब्वियसली आप क्लैरिटी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर कलर्स वगैरह सब, यू नो कलर साइंस जो है, कलर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके थ्रू, इसके डिवाइस के थ्रू काफ़ी अच्छा है। मैं बोलूँगा शार्पनेस वापनेस काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ डिवाइस शार्पनेस को काफ़ी बूस्ट कर देते हैं, इतने हद तक बूस्ट करते हैं ना कि आपको शार्पनेस घटाना होता है। तो मैं बोलूँगा काफ़ी बैलेंस्ड है, सो इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी नाइस। और अगर आप देखेंगे क्लैरिटी वाइज इज सुपर्ब। मैं स्टैट्स फॉर नर्ड्स भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, बिकॉज इट्स रनिंग ऑफ माई इंटरनेट। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि व्यू पोर्ट फ्रेम्स इसकी है 1920x1080p, बट ऑप्टिमल रेजोल्यूशन जो है वो 3840x2160 एट 60 FPS जो है। तो काफी अच्छे तरीके से ये मैनेज कर रहा है, मैं कहूँगा इट्स नॉट बैड एट ऑल। इनफैक्ट एक HD वाली कंटेंट भी मैं चला देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अगर मैं HD कंटेंट चलाता हूं तो वो कैसे दिखती है, है ना। तो ये मेरी एक वीडियो है, ये 4K कंटेंट नहीं है, ये HD कंटेंट है ना। ये देखिए 1080p वाली कंटेंट है, दिखा भी दे रहा हूं यहां पे, देखिए पर ये कितनी अच्छी लग रही है। आप देखिए, आप कलर्स वलर्स को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है कलर्स को, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है ना। सो इन टर्म्स ऑफ द वीडियो क्वालिटी इट इज क्वाइट गुड, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। आप अगर 7 या 8 फीट की दूरी से देख रहे हैं आपके टेलीविजन को, एकदम सुपर्ब लगेगा। इवन 1080p वाली कंटेंट लुक्स फैबुलस, लुक्स ग्रेट। इनफैक्ट कलर्स तो आप देख ही रहे होंगे कि कलर्स भी यू नो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो एक और 4K वीडियो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, इनफैक्ट ये लास्ट वाली है वीडियो, ये भी 4K है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, 4K at 60 FPS, देखिए वहां पे, है ना, बहुत ही क्लियर है। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड भी करके इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसे मैनेज करता है, अगर मैं इसे फॉरवर्ड करूंगा तो देखिए फॉरवर्ड मैंने करके दिखा दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो किसी भी डिवाइस में लगेगा यार, आपके टीवी पे भी लग जाएगा। सो इसकी क्लैरिटी जो है ना वो आप देखिए काफी अच्छे तरीके से, यू नो कलर्स पॉप होते हैं, HDR कंटेंट, इट इज capable of HDR 10 plus, पर इसकी एक दूसरी खामी यह है कि इसमें आप Dolby Vision content नहीं देख पाएंगे, है ना, it does not support Dolby Vision।
तो मैं वो आपको बता देता हूँ, इट इज ओनली केपेबल ऑफ हैंडलिंग HDR10+, HDR10 और HLG. इट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग डॉल्बी विजन, दिस टेलीविजन स्टिक, है ना? तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा. दूसरी खामी इसकी थी वो 8GB की जो स्टोरेज है, पर अपार्ट फ्रॉम दीज टू मैं बोलूंगा खामियां, ये टीवी स्टिक पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है. आपको 2999 पे मिल रहा है यार. गूगल क्रोमकास्ट की जो स्टिक आती है ना, वो सबसे पहले तो इंडिया में आई नहीं, और अगर आपको ये लेना भी है ना, आप इंपोर्टेड वाला माल खरीदेंगे और उसके लिए आपको करीबन 8,500 रुपया खर्च करना पड़ेगा. तो आप क्यों खर्च करेंगे यार? गूगल टीवी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, वो भी एक बजट में, इट इज अ फैबुलस ऑप्शन. आप यू नो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जा सकते हैं इन बाइंग दिस. इनफैक्ट फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन वाली जो सेल थी, उसमें मैंने खुद ये 2999 पे ली है. ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है, ये एक्चुअली में मैंने खुद पैसे दे करके खरीदे हैं, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ. इसीलिए आप एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन या रिव्यू जो भी है, इनिशियल इंप्रेशंस मेरा जो है, आप बोल सकते हैं कि एकदम सही से दिल से निकला हुआ है, बिकाव वाला नहीं है मैं बोलूंगा. ऑलराइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिव्यू यूनिट. वापस से मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई भी ऐप में जाएंगे ना, आप बैक बैक करके जरूर से ऐप से जरूर एग्जिट कीजिएगा. क्योंकि देखिए, जब मैंने क्विक बटन दबा के प्राइम वीडियो से यूट्यूब में जंप किया था, तो Amazon प्राइम वीडियो बैकग्राउंड में थी, यू नो आई मीन चल रही थी, तो मुझे उससे निकलना पड़ा. मैं Apple TV भी यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ, हालांकि मैं कंटेंट नहीं चला पाऊंगा, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ Apple TV के बारे में. Apple TV के बहुत सारे कंटेंट है, जब आप उसको चलाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस देखिए, आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डोल्बी विजन, ऑलराइट, पर वो एक्चुअली में डोल्बी विजन नहीं है. ये एप्पल टीवी अगर आप ऐप यूज करेंगे ना, तो वहां पे डोल्बी विजन का साइन दिखाता है, पर ये आप मत सोचेगा कि ये डोल्बी विजन में चल रहा है ना. ज्यादा करके मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट वाला इशू आ जाएगा, बार बार कह रहा हूँ, ब्रोकन रैकेट की तरह. पर एप्पल टीवी भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है. कोई भी ऐप जो मैंने यूज किया हैंग नहीं हुई है, तो एकदम सीमलेसली यू नो सारे ऐप्स चले. और आप ये भी देखिएगा मैं कितने फास्ट मूव कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से यू नो मैनेज करता है सब चीज को. और सो फार मेरी इनिशियल इंप्रेशंस जो है वो काफी पॉजिटिव रही है इस रियलमी टीवी की गूगल टीवी स्टिक को लेकर के. मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बना सकता हूँ, बट अगर आप वो चाहते हैं ना, आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा. मेरे पास एक MI की 4K टीवी बॉक्स भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंपेयर करूँ MI की 4K टीवी बॉक्स के साथ, और मैं इसे यू नो कंपेयर करूँ टाइजन OS के साथ भी. फायर टीवी स्टिक भी है वैसे, पर अभी हाल में मेरे पास है नहीं, पर फायर टीवी स्टिक के साथ ये ना मैं कभी भी संतुष्ट नहीं रहा हूँ. मेरी एक्सपीरियंस विद फायर टीवी स्टिक हैज नॉट बीन दैट ग्रेट. इनफैक्ट अगर आपको एक टीवी बॉक्स लेना है ना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट बिफोर दिस केम अलॉन्ग, मी की जो 4K बॉक्स है ना, मी टीवी 4K बॉक्स जो है, दैट वॉज द बेस्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ऑलराइट सो फार. पर अब इसके आने के बाद ना, ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है, बिकॉज रियलमी ये ऑफर कर रहा है 2999 पे, जबकि आपको MI की 4K टीवी बॉक्स मिलती है 3,500 रुपीज पे. तो भाई आप 500 रुपए भी ज्यादा क्यों देंगे, जबकि आपको इसमें गूगल टीवी की नई जो UI है वो इंटरफेस मिल रही है, और इट इज स्नैपी. फर्क पड़ता है मैं कहूंगा. मैंने वीडियोज मूवीज शोज सारे इसमें देख लिए हैं, और मेरा इनिशियल इंप्रेशन काफी अच्छा है. मैं इसे ऑब्वियसली यू नो ओवर द वीक्स यूज करूंगा. और वापस से अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, वो भी आप लिख दीजिएगा, ताकि यू नो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं. तो भाई यहां पे स्टॉप करते हैं. अगेन, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है ये. तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही. दोस्तों आपको क्या लगता है इस डिवाइस के बारे में, आप कॉमेंट्स में जरूर मुझे बता दीजिएगा. और ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो ना, तो प्लीज आप वापस कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा. आपके कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो, वहां पे डाल दीजिएगा, और मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा. और मुझे अच्छा लगता है वैसे ना आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि एक कम्युनिटी है हमारी, और एक कम्युनिटी में हम बात करते रहते हैं आपस में, अच्छी फीलिंग है. और इसीलिए कमेंट्स जरूर भेजते रहिएगा. और अब वो पार्ट आ गया है जब मैं वीडियो में बोलूंगा आपको कि अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा करके, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. तो इसके अलावा आप मुझे
और एक तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना बहुत सारे आइटम्स हैं जिन पे मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ और मैं उन आइटम्स पे विश्वास रखता हूँ, उन प्रोडक्ट्स पे। तो अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके उन आइटम्स को परचेस करते हैं तो तब भी मुझे एक अमेज़ॉन की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बोल दे रहा हूँ, पर ये एक और तरीका है जो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन फोक्स। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।